अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं और कुछ डीआईवी की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उसमें जो डिफरेंट वैकेंसीज निकली हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा जिन बच्चों ने कैंडिडेट्स ने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था इन डिफरेंट जोन्स, उनका जो रिज़ल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं, वो बच्चे क्या करें, कैसे अपना रिज़ल्ट देखें। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए डीएवी की और अदर इतनी पोस्टें निकलती हैं उसके लिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, पूरी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं वैकेंसीज़। तो ये जो सबसे पहली वैकेंसी है ये है जम्मू की, महाराजा हरी सिंह एग्रीकल्चरल कॉलेजिएट स्कूल नागवणी जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर दिए, ईमेल आईडी दी है। और देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या है कि इनकी जो स्टार्टिंग थी 21 मई थी और लास्ट थी 30 मई, लेकिन जो बच्चे इन पर्टिकुलर पोस्ट को फिल करना रह गए हैं या जो अप्लाई करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वैकेंसीज़ देख लेते हैं। पीजीटी इनको चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशल साइंस का। क्वालिफिकेशन एज़ पर CBSE एफिलेशन बाय लॉज जो भी हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स के। TGT की बात करें इसके लिए हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन बाय लॉज सेम CBSE के हैं। यहाँ पर देखिए DAV के नॉर्म्स नहीं चल रहे, CBSE के नॉर्म्स चल रहे हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो DAV के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो CBSE के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो दोनों नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें दोनों ही नॉर्म्स चलेंगे, एक नॉर्म्स नहीं चलते, बिकॉज जितने भी मैंने देखे अंदर स्टेट के रिक्रूटमेंट सभी में बहुत के लो चलते हैं। तो बाकी डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल कैसे वो लॉज वेरी करते हैं। तो यहाँ CBSE के बायलॉज चलेंगे, आप उसके लिए नेट पर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है जो CBSE का, अगर आप नहीं मिलते आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके बाद PRT की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसमें ग्रेजुएशन विद BEd मांगा गया है और ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। और यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है जो ट्रेंड ग्रेजुएट्स हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, लाइब्रेरी साइंस चाहिए क्वालिफिकेशन, उसमें BLib और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, कंप्यूटर बेसिक्स भी चलेगा। NTT प्री प्राइमरी के लिए फीमेल कैंडिडेट्स है वही है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, NTT होनी चाहिए या उनके पास JBT होनी चाहिए विद ग्रेजुएशन। मिनिस्ट्रियल स्टाफ में LDC है, नर्स है और लैब असिस्टेंट है कंप्यूटर। अगर हम LDC की बात करें, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी इसमें मांगी गई है। इसमें वैसे BCom मांगते हैं लेकिन इन्होंने BCom नहीं मांगा, इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है सिंपल और विद कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज। नर्स के लिए 10+2 है और इनका नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए विद सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। लैब असिस्टेंट के लिए BSc कंप्यूटर साइंस या BCA मांगा गया है। और इसमें जो बताया गया जो फाइनल आपकी सिलेक्शन होगी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन, सब्जेक्ट पैनल, इंटरव्यू जो भी होता है उसके बेसिस पर होगी और ऑल ओवर सभी स्कूल ऐसे ही कर रहे हैं। और बाद में आपकी वेरिफिकेशन होगी पैक की, उसमें आपने कौन सा पास किया डेजिग्नेशन। और इसमें मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, हायर ग्रेड लोअर के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन लोअर हायर के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने PGT क्वालिफाई किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलिए कंप्यूटर्स लेते हैं, वो PGT, TGT और PRT में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कैंडिडेट ने PRT में किया है क्वालिफाई, वो TGT और PGT के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। PGT कर सकता है TGT और PRT में, TGT PRT में, और PRT सिर्फ PRT में कर सकता है, वो हायर्स के लिए और TGT हायर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसको याद रखिएगा फॉर एनी पोस्ट। एप्लीकेशंस आपको वेबसाइट है जो आपको मैंने ऊपर बताई थी उस पर मिल जाएंगी, यही जो आपके सामने में अपीयर कर रहा है ये मैं अपने ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा। फॉर्म्स, टेस्टिमोनियल्स, आप ये टाइमिंग दी गई है वर्किंग डेज में आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको पता है 1 जून से लेकर 17 जून तक, 17 जुलाई तक जम्मू में हॉलीडेज चल रही है डिफरेंट स्कूल में। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप अपना जो पैक सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग रिज्यूमे है वो आप इनको मेल कर देंगे। मेल के लिए यहाँ देखिए ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है यहाँ पर इंक्लूडिंग, आपने और क्या करना है, यहाँ पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया, ये देखिए ये फॉर्म आपने फिल करना है पूरा, जो जो आपकी डिटेल्स मांगी गई हैं ये भी आपने प्रिंट आउट निकाल कर फिल करके स्कैन, ये तीनों कॉपीज़, पहला पैक सर्टिफिकेट, सेकेंड आपका रिज्यूमे और थर्ड ये जो है, ये तीनों आपने मेल कर देना है।
और सब्जेक्ट में लिख देना अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ दिस वन, जो भी आपकी पोस्ट है, TGT हिंदी, PGT कंप्यूटर्स, देन उसके बाद TGT इंग्लिश, जो भी आपकी पोस्ट है वो आप ईमेल की जो सब्जेक्ट है उसमें लिख देंगे। ये तो होगी जम्मू की पहली पोस्ट। सेकंड देखते हैं, ये भी जम्मू की है, MHS DAV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल अखनूर। यहाँ पर ईमेल आईडी दी है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, मेन हम चलते हैं, बाकी वही है चीज़ें। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, इसमें 16 मई है, और फ्रॉम सोसोन कैंडिडेट्स जो भी हैं। इसमें देखिए PGT के लिए इन्होंने बोला है डिफरेंट पोस्टें हैं, इंग्लिश सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस, सॉरी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी एंड सोशल साइंस इकोनॉमिक कॉमर्स, इसमें BEd मांगी गई है विद मास्टर डिग्री। TGT के लिए मैथ्स कंप्यूटर है, BTech मांगी गई है, MSc BSc कंसर्न विद सब्जेक्ट विद BEd, और इसमें BEd भी मांगा गया है कंसर्न सब्जेक्ट के साथ। और एक मैं और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप कंप्यूटर टीचर की अप्लाई करना चाहते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, तो उसके लिए आपकी BEd कंपलसरी है। PRT के लिए हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस संस्कृत आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक, इसके लिए आपकी BSc चाहिए, BA चाहिए विद कंसर्न सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, और उसमें मास्टर डिग्री चाहिए एज पर प्रेफर्ड इंक्लूडिंग BEd। NTT प्री प्राइमरी पोस्ट, उसके लिए आपको पता है फीमेल्स कैंडिडेट चाहिए, ग्रेजुएशन विद NTT। मिनिस्ट्रियल स्टाफ, इसमें रिसेप्शनिस्ट है, LDC है, लाइब्रेरियन है, इसमें ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर मांगा गया और BLib का इनमें कोर्स मांगा गया। उसके लिए बाद आपका काउंसलर है, काउंसलर में आपका इसमें मांगा गया है MA साइकोलॉजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, सब कुछ सेम है। इसमें देखिए इन्होंने 100 रुपीज़ का यहाँ एक प्री से प्रोफॉर्मा बताया गया, और बताया गया डिजाइड कैंडिडेट्स हैव रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन शुड अप्लाई ऑन द, जो प्रोफॉर्मा दिया गया है, फॉर्म्स अवेलेबल एट द स्कूल रिसेप्शन, जो आपको 100 रुपीज़ के मिलेंगे और वो आपने फिल करके रिसेप्शन पर सबमिट करा देने हैं। अगर आपने नहीं कराई, सेम प्रोसेस वही है, आपको पता है इन दोनों स्कूल्स का भी इंटरव्यू नहीं हुआ, और इसके लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया, फॉर्म फिलिंग नहीं की, आप अपना जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए परफॉर्मा, अगर परफॉर्मा इन्होंने वेबसाइट पर नहीं दिया, यू कैन सेंड योर रिज्यूम एंड पैक सर्टिफिकेट, और वो आपको कॉल करेंगे कि हाँ आपने इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, सो यू कैन विजिट अवर स्कूल ऑन डैट पर्टिकुलर डे एंड फिल डैट पर्टिकुलर फॉर्म। और जो भी इनके चार्जेस रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 100 रुपीज़, उसी टाइम आप फॉर्म फिल करेंगे, अपने टेस्टिमोनियल्स है जो आपके, जैसे 10th है, 12th है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन विद डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिग्री, अगर आपका सी टेट है, पी टेट है, इंक्लूडिंग एक आपने इस बार एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन करनी है, वो है आपका पैक सर्टिफिकेट, इन सभी की जेरोक्स कॉपी आपने साथ में अटैच कर देनी है। तो ये थी दो पोस्टें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं जो जम्मू के। ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा हमारा फेसबुक पेज पर, इस पर फेसबुक का पेज भी हमारा सेम नाम है थिंक टेक्निकल हीरा। ऐसे जितने भी रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं उनका जो नोटिफिकेशन हम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ, इंक्लूडिंग ऑफिशियल जो हमारा पेज है उस पर। तो बाकी मैं स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था कि जिन कैंडिडेट्स ने अदर स्टेट के लिए डिफरेंट जोन्स में अप्लाई किया था, उनका जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो बच्चे क्या करेंगे कैंडिडेट्स, वो जिस भी जोन में उन्होंने अप्लाई किया था उस जोन में आप मेल करेंगे, मेल में बोल देंगे कि इतनी इतनी डेट को आपने इंटरव्यू दिया था, डेमो हो गया था, फाइनल इंटरव्यू जो CBSE के पर्सनल्स आते हैं उनके सामने हो गया था, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आउट हुआ, तो उसके लिए रिजल्ट हमारा कब आउट होगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ये आपका राइट है। बिकॉज काफ़ी बच्चों का कहना था कि सर हमें तो अप्रैल का इंटरव्यू हो गया है, अब तो देखिए मई का भी ऑल ओवर आपको पता है एंड अप हो गया है, तो हम क्या करें, कहाँ से अपना रिजल्ट पता करें। तो देर आर सो मैनी डाउट्स, अगर जितने भी स्कूल्स में आपने अप्लाई किया है, तो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, आप अपना डिफरेंट स्कूल्स में CBT इंक्लूडिंग रिज्यूमे सेंड कर दीजिए, जहाँ पर भी वैकेंसीज हुई स्कूल आपको कॉल करेगा। बाकी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट करके जो भी डिटेल्स आपको चाहिए ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल।